सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। मत्ती 24 अध्याय उसके 36 आयत में लिखा है, जागते रहो, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन से वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आगमन भी होगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह को भी पता नहीं है। केवल पिता अर्थात परमेश्वर को पता है कि प्रभु का दूसरा आगमन कब है। हमारे मन में कई सारे विचार आते हैं। जब हमें कोई कहता है बपतिस्मा लेने को, तो हम अपने मन में सोचते हैं कि अभी मेरे घर में लड़ाई झगड़ा है, घर का बंटवारा होना है, जब वो काम हो जाएगा उसके बाद मैं बपतिस्मा लूंगा या बपतिस्मा लूंगी। मेरे प्रियो, हम जब प्रभु में आते हैं तो बाइबल बताती है कि बपतिस्मा लेने का वो समय आज और अभी है। परमेश्वर का वचन कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। लेकिन हम अपने मन में क्या सोचते हैं, पहले हमारा ये काम खत्म हो जाए, ये चीजें हमसे छूट जाए, ये आदत मुझसे दूर हो जाए, उसके बाद में बपतिस्मा। मेरा आप सबसे केवल एक सवाल है कि यदि आप सोचते हैं कि मैं अपना नशा छोड़ने के बाद बपतिस्मा लूंगा, मैं अपना गाली देने का आदत छोड़ने के बाद बपतिस्मा लूंगा, मैं अपने घर में जो बंटवारा होने वाला है उस लड़ाई झगड़ा करने के बाद मैं बपतिस्मा लूंगा, मेरा आप सबसे केवल एक सवाल है, क्या आप कल के दिन जीवित रहेंगे? क्या आपने कल देखा है? मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कल क्या होगा हमें नहीं पता। इसलिए बाइबल साफ बताती है कि बपतिस्मा लेने का समय आज और अभी है। इसलिए हमें कोई भी काम जो परमेश्वर का वचन कहता है उसे कल पर नहीं डालना, वो समय आज और अभी है। इसलिए हमें जागते रहना है, और जागने का मतलब नींद त्यागना नहीं बल्कि आत्मिकता में जागना है, प्रभु के दूसरे आगमन के लिए तैयार होना है। और जो प्रभु ने हमें आज्ञा दी है उसे हमें कल पर नहीं डाल करके आज ही वो चीज़ हमें करना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को जय मसीह।